नैतात्मनो मे तव कथास वैकुंठनाथ नैतात्मनो मे तव कथास वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरं हर्षशोक भयशनार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिसामि दीनः नैतात्मनो मे तव कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोक भयशनार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिसामि दीनः गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए अप्राकृत जगत का साथ नाता जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं अप्राकृत जगत का साथ हमारा नाता जोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता खुला है, ये है शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है ये शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना अप्राकृत जगत का साथ भगवान का साथ भगवान का धाम का साथ किसी भी हालत बद्ध जीव दे कैन नॉट गेट इट कंटैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड और अप्राकृत जगत का साथ नाता जोड़ नहीं सकता। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं हमारा ये दुष्ट मन हमारा ये दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम इतना असाधु हूँ मैं, इतना गिरा हुआ इंसान हूँ, इतना बदमाश हूँ, मेरा मन भगवान आपका कथा में नहीं बैठता है, क्या करूं? आपका कथा में मेरा मन बिल्कुल ही नहीं बैठता और आपका साथ नाता जोड़ने का तो एक ही रास्ता है, भगवान का कथा छोड़ के तो रास्ता नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरा दुष्ट मन दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम बिल्कुल ही भगवान आपका कथा में लगन लगता ही नहीं, बिल्कुल बैठता नहीं, तो आपका जो वैकुंठ जगत का जो संधान वैकुंठ जगत के बारे में जो अनुसंधान है मेरे को कैसे प्राप्त हो सकता? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये तो संभव नहीं, मैं कहाँ जाऊं? अपराकृत जगत का विषय जानकारी के लिए शुद्ध गुरु वैष्णव का मुखारविंद से अप्राकृत जगत का वाणी श्रवण करना जरूरी है। इस प्राकृत जगत में तमाम दुनिया जो चल रहा है एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय साउंड, शब्दों के द्वारा नियंत्रित है पूरा जगत, जन्म से लेकर मौत तक। अगर थोड़ा विचार है तो क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, विचार करके देखना। प्राकृत जगत में शब्दों का इतना पावर है, ताकत है, तो अप्राकृत जगत का जो अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म है इसका पावर कितना है अंदाजा लगा सकते हो? कैन यू एस्टिमेट? पागल हो जाओगे। प्राकृत जगत में ये जो जड़ जगत है प्राकृत जगत में शब्दों का इतना पावर है कि ये शब्दों जो है पूरा वर्ल्ड को कंट्रोलिंग, यहां तक कि आपका फैमिली को कंट्रोलिंग कर रहा है पूरा। बहू ने सास को कुछ बोल दिया या तो सास ने बहू को कुछ बोल दिया, बस आग जल गया, पूरा संसार फिनिश, टोटल फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, वो चला गया पूरा खुल के पूरा फिनिश। एक एक शब्द, रशिया ने एक शब्द बोल दिया,
अमेरिका ने उसका ऊपर अटैक कर दिया, जापान ने एक शब्द छोटा सा बोल दिया, उसका भी हिरोशिमा नागासाकी में एक तो एटम बम गिरा दे, बस फू। ठंडा दिमाग से विचार करके देखो, होल वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय साउंड। प्राकृत जगत का जो कंट्रोलिंग है, प्राकृत जगत का विषय तो कंट्रोलिंग है ही है, चाहे बचपन में जब लिखा पढ़ा सीखा है तब से लेकर आज तक नहीं, मौत की घड़ी तक ये शब्द आपको कंट्रोल करेगा, शब्द ही आपको कंट्रोल करेगा, कुछ नहीं कंट्रोल करेगा। इतना गहरा विचार है। और अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है, इसका ताकत क्या है, ये आप लोगों का दिमाग में आना बहुत मुश्किल है। एक बड़ा प्रोफेसर सरदिंदु राय, इतना बड़ा पर्सनैलिटी है, उसका नाम सुनोगे आप पागल हो जाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उसको प्यार करते थे, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। उन्होंने प्रभुपाद जी को एक दफे बताया, प्रभुपाद आप इतनी सी समय में, थोड़ी सी समय में 50 मठ कर दिया जगत में, 50 गौड़ीय मठ बना दिया। प्रभुपाद ने हंस पड़े, 50 गौड़ीय मठ क्या होगा। आई वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश गौड़ीय मठ इन साइड द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एंटिटी, हर जीवों के हृदय में गौड़ीय मठ स्थापन करना चाह। आप बोले 50 गौड़ीय मठ क्या होगा, क्या हरिद्वार में गौड़ीय मठ क्या कौन सी कर लिया, क्या कर लिया बताओ। मैंने आके कुत्ता का मापिक चिल्लाया, इतना हरिकथा बोला, क्या फायदा है, किसने सुना है, किसका कानों में गिया है, किसका जिंदगी में ये जीवन जिंदगी का मकसद क्या है, किसको पता है बताओ। इतना चिल्ला के गया, 100-100 हरी कथा बताया, सुनने वाला आदमी नहीं, मरने वाला आदमी है, दे लाइक टू डाई, जिंदगी जा रहा है, लाइफ इज गोइंग बट वी आर प्लेइंग, जिंदगी जा रहा है, पता नहीं कब चले जाए, हम लोग खेल रहे हैं, मजा मजे में चल रहा है, ऐसा हमारा जिंदगी है। पापा जी ने बताए 50 गोड़ी मठ क्या हो, हम तो हर जीवों का हृदय में, हर मानव का हृदय में गौड़ीय मठ स्थापन करना चाहा। काल इस विषय पर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, काल इस विषय पर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, हम काल साबित करेंगे ये अप्राकृत शब्द ब्रह्म क्या है। अप्राकृत शब्द ब्रह्मों से पूरा दुनिया का सृष्टि निर्माण, मेरा जो गौ माता का किताब है चेतना का जागरण, चेतन जी पढ़ के देखना, उसमें सृष्टि का तमाम रहस्यों, गौ माता का क्या योगदान, सब कुछ बताया गया। कहने का मतलब है प्रभुपाद विचार करते थे 50 गौड़ीय मठ का बदले में अगर 50 मोबाइल गौड़ीय मठ मिल जाता, 50 गौड़ीय मठ का बदले में इफ आई कुड गेट मोबाइल गौड़ीय मठ, मतलब एक एक नौजवान सन्यासी, वास्तव सन्यासी, जिन लोगों ने जीवन जिंदगी को निछावर करने के लिए गौड़ीय मठ के लिए गौरंग महापुंग तैयार बैठा है, कभी भी बोलो को छलांग लगा दे आग में, कभी भी अपना जीवन जिंदगी को आग में जलाने के लिए तैयार बैठा है, फ्रीडम फाइटर, स्वाधीनता संग्रामी। और हम में इतना भी अकल नहीं है गुरु वैष्णव के लिए प्राण देना है, दीक्षा लेके बैठा है, कौन सी काम कर दिया, गुरु जी का पिताजी को उद्धार कर दिया, हम गुरु जी से दीक्षा लेके, ये मेरा दीक्षा है। प्रभुपाद का कहने का मतलब था, प्रभुपाद कहना चाहा अगर 50 गौड़ीय मठ का वास्तविक कैंडिडेट होता, वास्तविक सन्यासी, एक एक गौड़ीय मठ का सन्यासी, हरिद्वार तो दूर की बात है, ऋषिकेश लक्ष्मण जहां भी चले जाए वह गौड़ीय मठ अवतीर्ण हो जाएगा, आपको विश्वास नहीं है।
चाहे केदारनाथ में जाए चाहे पहाड़ी चोटी में जहां जाए गौड़ी मठ कैन डिसेंड, गौड़ी मठ अवतीर्ण हो जाए। इसका नाम है गौड़ी मठ का एक एक काबिल डेडिकेटेड सोल। ये मायावाद बिल्ड है, कहां करूं। वेदांतों के बारे में दो चार शब्द चर्चा करेंगे, समझना है तो समझो नहीं तो न समझो। काल इसका बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जो जूम कथा में आया था कैवल्यक प्रयोजनम सम साधु फ्रॉम हरिद्वार गोइंग टू एक्सप्लेन सम वे, वी गौरी वाइन टू एक्सप्लेन अदर वे। ये लोगों का जो व्याख्या है झूठा है, ये साबित करने के लिए काल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। आज बात ये है जे अप्राकृत शब्द ब्रह्म का कितना प्रभाव है, इसका बारे में हम दो चार शब्दों कहेंगे। वेदांतों में कई सारे वेदांत सूत्र आता है, ये चर्चा करने के लिए समय नहीं है और परिवेश भी नहीं है, लेकिन जरूर हम दो चार श्लोक तो चर्चा जरूर करेंगे। एक तो है शास्त्रोजनित्वात्, माने क्या हुआ महाराज शास्त्रोजनित्वात्, ये क्या माने हैं। जैसे मैथमेटिक्स में है ना, मैथमेटिक्स में एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा हायर मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा है, एक छोटा सा फॉर्मूला खाते में लिख दो, वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला को एक्सटेंड करते करते चार पांच पन्ना भर्ती हो जाएगा एग्जाम हायर मैथमेटिक्स में। हायर मैथमेटिक्स में ऐसा है, एक फॉर्मूला है छोटा, आपका सामने कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला को लिखे उसको एक्सटेंशन करते चले लिखते चले पूरा पांच पन्ना पूरा भर्ती दो घंटा से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स ऑनर्स, मुझे आइडिया है, एक मैथमेटिक्स पांच पन्ना तक चलते रहे और एक में थोड़ा गलती हो गया स्टार्टिंग में, पूरा जीरो मार्क, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये जो है विषय जो है शास्त्रोजनित्वात्, वैष्णव गोस्वामी जी ने शिल वैष्णव गोस्वामी जी ने वेदांत सूत्र लिखा, वेदांत सूत्र कौन लिखा है, वेदांत सूत्र किसने लिखा है, वैष्णव जी ने हर कोई जानता है। शंकराचार्य ने टिप्पणी किया, शंकराचार्य जी ने मायावाद का टिप्पणी किया, बलदेव विद्याभूषण जी ने गौड़ीय भाष्य किया, यही तो किया ना शंकराचार्य ने टिप्पणी किया, लेकिन लिखा कौन, लिखा वेदव्यास। वेदव्यास कौन है, वेदव्यास साक्षात भगवान का शक्ताभिष अवतार, ही इज नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। महाप्रभु जी ने तर्क दिया, महाप्रभु जी ने विचार उठाया, महाप्रभु जी ने विचार उठाया कहाँ, वाराणसी में सब मायावादी के सामने, देखो आपका आचार्य जो शंकराचार्य जी ने वेदांतों का व्याख्या किया, लेकिन वेदांतों व्याख्या का करने का पहले हम वेदांतों व्याख्या करना चाहें तो हमको क्या करना चाहिए, हम अगर गौड़ीय वेदांतों का थोड़ा व्याख्या करना चाहे तो हमको हमारा लिए क्या फॉर्मूला है, हमारा लिए ये नियम है, हमको गुरुवर्गों का अनुगत्य में क्या क्या बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर केशव गोस्वामी जो बताया मेरे को वो बोल रहा हूँ, अपना मनमानी बोलने जाए तो होगा नहीं। महाप्रभु जी ने ये विचार बताया मायावादी लोगों को, मायावादी लोगों को महाप्रभु जी ने ये विचार बताया, देखो जरासल बात ये है आपका आचार्य तो वेदांतों के ऊपर टिप्पणी लिख दिया शरीरक भाष्य, मायावाद भाष्य को शरीरक भाष्य, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया व्हाट वेदव्यास वांटेड टू से, वेदव्यास जी ने क्या कहना चाहा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपना मनमानी व्याख्या कर दी। महापू जी ने बताया जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा है, जिन्होंने वेदांत सूत्र खुद लिखा है उनको खुद मालूम है एक एक सूत्र के द्वारा ये वेदव्यास क्या कहना चाहा, एक एक वेदांत सूत्र के द्वारा
वेदव्यास जी महाराज क्या कहना चाहा, ही नोज इट वेरी वेल, नॉट यू एंड मी, आप और मैं विचार करने जो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या दिल का भाव है। हाँ, और जो व्यक्ति वेदव्यास जी का चरण का वंदना करके कृपा लेके बैठे, महाराज कृपा करो, उसका जवान पे भी वेदांतों का व्याख्या आ सकता है, इट्स क्वाइट नेचुरल, क्योंकि कृपा के द्वारा व्हाट नॉट पॉसिबल, कृपा के द्वारा क्या संभव नहीं है, क्या संभव है यह बताओ, मां हम सुनना नहीं चाहते, कृपा का द्वारा क्या संभव है ये सुनना नहीं चाहते, क्या असंभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्या असंभव है, दुनिया में सब संभव है कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा सब संभव है दुनिया में, ऐसा कोई चीज नहीं है संभव नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया, देखो वेदव्यास जी महाराज साक्षात शक्तावेश अवतार भगवान, शक्तावेश अवतार भगवान ने कुछ ऐसा कुछ कहना चाहा, आपके आचार्य शंकराचार्य जी ने इसका ध्यान नहीं दिया, अपना मनमानी व्याख्या किया, क्योंकि उनका भी दोष नहीं है, भगवान ने खुद आदेश किया शंकराचार्य को, तुमने काम करो, तुम शंकर शंकर साक्षात शंकर, जो शंकराचार्य है ये शंकर का अवतार है साक्षात शंकर, तो इनको पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में विचार है, शंकराचार्य शंकर भगवान को भगवान आदेश दे रहा है, आपको जगत में जाना पड़ेगा, क्यों क्यों बल, आपको जाके मायावाद भाष्यों को प्रचार करना पड़ेगा, क्यों क्या होगा बोले, मायावाद भाष्य प्रचार करके जो राक्षस है, जो दैत्य दानव है, उन लोगों को मेरा भक्ति संपत्ति नहीं देना चाहता हूँ, उसको दफा कर दो, उसको घुमा दो, ऐसा विचार लिखो, ऐसा फिलोसॉफी लिखो, एक एक फिलोसॉफी के द्वारा एक बड़ा बड़ा दैत्य दानव कंस हो, तीनावर्तो, सब बड़े बड़े जो है जरासंधो, ओह हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप क्या लिखा महाराज, अच्छा है इन्होंने विचार बताया हमको, ऐसा भगवान ने आदेश किया शंकराचार्य को, शंकराचार्य ने जगत में आया, शंकर जी बृहद भागवत मृत्यु में अंग्रेजी में सब व्याख्या हो रहा है, फॉरेनर लोग सुन रहा है, शंकराचार्य का खुद का इच्छा नहीं है, शंकराचार्य शंकर है, आ शंकर मतलब वैष्णव है, चाहे मायावादी लोग उसको कुछ भी कहे, लेकिन भागवत का प्रमाण सबके ऊपर है, भागवत जी महापुराण का प्रमाण सबसे ऊपर है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणान तो इदम भागवतम, भागवत का प्रमाण सबसे ऊपर है, तो भागवत में लिखा हुआ है वैष्णव राज शंभु, ये शंकर भगवान से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लगा दिया, कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया, बाहर के आदमी बोला बाबा तो ऐसे ही है मायावादी, लेकिन बाबा मायावादी नहीं है, बाबा बड़ा वैष्णव है, जो भी है, महाप्रभु जी ने बताया शंकराचार्य का विचार जो है भक्ति का खिलाफ है, जो भी है मैंने जो सत्य को उठा, ज्यादा बोलने का समय नहीं है, थोड़ी सी समय में बोलना जरूरी है, सत्य शास्त्र जनित्वात् मतलब है ऑथेंटिक शास्त्रों के द्वारा भगवान का जानकारी प्राप्त संभव है, आई बात समझ में, थ्रू ऑथेंटिक शास्त्र यू कैन गेट राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सुप्रीम लॉर्ड, अप्राकृत जगत का बारे में अगर जानकारी पाना है तो ऑथेंटिक शास्त्रों में जाओ, वेद पुराण आदि जो ऑथेंटिक शास्त्र हमारे गुरुवर को व्याख्या किया, अपना मनमानी दौड़ो मत, और हम पढ़ लेंगे कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं आपका जेब में पैसा है बहुत, आप पैसा वाले हो, नंबरदार हो, लेकिन पैसा से कुछ नहीं होता, दुनिया में पैसा से जो कुछ होता है, आज जो कुछ ऊपर से आता है ये पैसा से नहीं मिलता, जो भी है खैर छोड़ो, बात ये है कि शास्त्रों जो हम थोड़ी सी शब्दों में व्याख्या करेंगे, कभी समय हो तो डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, आज नहीं तो एक साल बाद, छः महीना बाद, कभी अगर ठाकुर जी करे तो, शास्त्रों जनित्वात् मतलब
वेदोव्यास कहना चाहा, ये ऑथेंटिक शास्त्रों, हमारा भागवत जी महापुराण, चैतन्य चैतन्यमितो, चैतन्य भागवत, इन सभी ऑथेंटिक शास्त्रों के द्वारा यू कैन गेट राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, और प्राकृत जगत का बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अगर मनमानी छूटोगे, दौड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ, खाली हाथ लौटोगे, खाली हाथ आया जगत में, खाली हाथ लौटो। पंजाबी लोग गाता है जालंधर चंडीगढ़ में हम हंसते हैं, वो गाते हैं, वो अनुभव नहीं करते, खूब गाते हैं, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, हम हंसते रहते हैं, कुछ अनुभव दे, हम नो फीलिंग्स नथिंग, हमने गा दिया, खोल बजा कर गा दिया, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, ये गाता है लेकिन अनुभव कुछ नहीं है, अनुभव कुछ नहीं है, ऐसा गाने से कुछ फायदा नहीं, ऐसा गाने से कुछ फायदा नहीं है, ऐसा है शास्त्र जुनिता व्याख्या हम कर दिया, हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे समय न, क्योंकि एक एक शास्त्रों का एक एक वचन, यहाँ तक कि वेदव्यास जी ने बताया, हमारा सदगुरु हमको जो एक शब्द कह दे, ऐसा बात बताया वेदव्यास जी ने बताया, अगर हमारा सदगुरु हमको बचाने के लिए शास्त्रों का एक शब्द बता दिया, एक किताब नहीं एक शब्द बता दिया, एक शब्द वेदव्यास जी ने बोला पूरा जगत को बिक्री करके, वेदव्यास जी ने बोला पूरा जगत को बिक्री करके गुरु जी का ऋण परिशोध नहीं कर सकता, यू आर इडियट नंबर वन, यू आर नंबर इडियट, नंबर वन इडियट, यू कैन नॉट एस्टिमेट, अंदाजा नहीं लगा सकते गुरु का कृपा क्या है, गुरु कौन है, वेदव्यास जी ने बताया। वेदांत सूत्र में कई सूत्र है, बहुत सूत्र है, बहुत, लेकिन मैं दो चार सूत्र चर्चा करके फिर अपना कंक्लूजन में जाना चाहता हूं, काल अगर समय थोड़ा मिले तो, ज्यादा समय मिले तो हो सकता। गौणश्चेत न आत्मशब्दम, ध्यान से सुनो, गौणश्चेत न आत्मशब्दम, ध्यान दो, संस्कृत आइडिया नहीं है ना, संस्कृत पढ़ा नहीं पढ़ा, गौणश्चेत न आत्मशब्दम, ध्यान दो तुम, गौणश्चेत न आत्मशब्दम माने क्या है, माने ये है, मैं सीधा माने बोलता हूं, आप एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं, इसका माने है अप्राकृत जगत का, अप्राकृत जगत का जो शब्द ब्रह्म है ये फाका नहीं है, आई बात समझ में, इट इज नॉट वैकेंट, ये खाली आवाज नहीं है, आप समझा नहीं, जैसे हमारा 15 अगस्त कुछ काज होता नहीं दिल्ली में, और जवान लोग क्या करता है, ढूं 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 कमान रखता है ना, लेकिन उसमें कमान का गोली नहीं है, है ध्यान दो बात पर, फाका आवाज ढूं ढूं, वो तो फॉर सैल्यूट, गान सैल्यूट, इसको बोला है गान सैल्यूट, कमान ऊपर देगा लेकिन कोई गोली फुली नहीं है, इतना इजी हम व्याख्या करना चाहें तो आपका जितना भी मिनिमम ब्रेन हो समझ सकोगे, मैं जानता है आप इंटेलिजेंट हो, मैं ऐसे मजाक किया ऐसा है वेदव्यास जी ने बता दिया, देखो गौणश्चेत न आत्मशब्दम, जो आत्मशब्द है, आत्मशब्द मतलब क्या, आत्मशब्द का माने क्या है, आत्मशब्द आत्मशब्द का माने है अप्राकृत शब्द ब्रह्म, आत्मशब्द माने कि अप्राकृत शब्द ब्रह्म, अप्राकृत शब्द ब्रह्म, अप्राकृत शब्द ब्रह्म इज आइडेंटिकल विद द ऑब्जेक्ट ही इज गोइंग टू इंडिकेट, मेरा बात समझा नहीं, मैंने चिल्लाया आम 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 चाहिए हमको, आम चाहिए, आम आएगा क्या, है ये महाराज ऑफ सीजन है,
बहुत पैसा खर्च करके लाना पड़ेगा, वो भी 200 रुपये के जी मिलेगा कि नहीं, अब आम आम बोलने से होगा? हमने तो आम बोल दिया। दैट्स मीन आम शब्दों का साथ मैंगो इज नॉट प्रेजेंट। आई बात समझ में? आम शब्दों संगे आम वस्तुटा नहीं, समझा? बांग्ला में समझाना पड़ता है। आम शब्दों का साथ आम द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, आम नहीं है। आम तो हमने नाम दिया मैंगो, ठीक है, मैंगो हमारा एक्सपीरियंस है, बचपन से आम खाते आए, उसे समझ। जिन व्यक्ति का मैंगो का बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मैंगो क्या चीज है बोलेगा ना? मैंगो को खाया है, देखा है, उसका रस रंग रूप सब देखा है, तो हमारा लिए परिचित है। कि जिस देश में मैंगो बोल के कुछ है ही नहीं, सुना ही नहीं, मैंगो ये क्या चीज है बोलेगा ना? लेकिन अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म नॉट लाइक दैट। अप्राकृत शब्द ब्रह्म ऐसा नहीं है। माधवेंदु पुरीपाद अगर रोने रोते रोते कह दिया हा वृंदावन नाथ, ओई दिन दयालु नाथ, हा मथुरा नाथ, कदावर कश्य ही दम तदलोक कातरम द्वैत ब्रह्मण थी किम करमी अहम। अगर माधवेंदु पुरीपाद जी ने, जिसको कृष्ण ने कितना बार दर्शन दिए, माधवेंदु पुरीपाद जी, वो अगर कहे, अगर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी को श्रीमंत करे हा वृंदावन हा बिंद, अगर श्रीधर गोस्वामी महाराज के सुना है, नहीं सुना है? श्रीधर गोस्वामी महाराज के सुना है अंतिम समय का आवाज? श्रीधर गोस्वामी महाराज, हमारा श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरुदेव, हमारा गुरुदेव श्रीधर गोस्वामी महाराज का बात सुना है? जगत से जाने का पहले आप घबरा जाओगे। एका अकेला घर में चिल्ला रहा है हा निताय गौर हरि बोल, हा हा निताय गौर हरि बोल, हा निताय, जैसे मरते जा रहा है। आपका कोई अक्ल नहीं है, आप घूमते रहते हो, कचूड़ी खाते रहते हो, और ये महापुरुष क्या कर चिल्ला रहा है हा निताय गौर, हा हम जा रहे हैं जगह से, निताय गौर बचा मेरे। ऐसा भाव है, ऐसा भाव है किसी के अंदर में? ऐसा भाव है किसी के अंदर में? तो दे आर नॉट डिवोटी, नहीं है ना, नहीं है ना, तो दे आर नॉट डिवोटी। जब तक ये भाव ना आ जाए तो उसको असली भक्त तो नहीं बोला जाएगा। चाहे मेरे को छोड़ दे, महाराज जी की कथा बंद कर दे, महाराज अप्राकृत सत्य बोलता है, मेरा कुछ आता जाता नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं बताता, होल वर्ल्ड सुनता है, जिसको अक्ल है सुनेगा, तो जाओ मरो, हमारा कुछ है नहीं। आई बात समझ में? अपरागित जगत का शब्द ब्रह्म के बारे में ये पहुंचा हुआ कोई संत बोलता है हा वृंदावन, मतलब वृंदावन वृंदावन इट सेल्फ प्रेजेंट इन फाइन फॉर्म, समझा नहीं? अगर माधवेंदु बुद्ध हा वृंदावन बोला तो वृंदावन उपस्थित है इसका शब्दों के साथ, हा कृष्ण ऐसा बोला तो कृष्ण शब्दों के साथ कृष्ण प्रेजेंट है। वेराज आप हरिनाम करते रहे हरे कृष्ण 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 हरे राम, आपका शब्दों का साथ कृष्ण नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस एक्चुअल हरिनाम। आप जो प्रोनाउंस करते हैं ना हरे कृष्ण, ये एक्चुअल हरिनाम नहीं है, ये नामाभास है, नामापवराद है। कभी चर्चा करें तो समझोगे दिमाग हिल जाएगा, आपका दिमाग हिल जाए, क्या बोल रहे हो महाराज ये? यस आई एम नॉट सिटिंग हियर टू चीट यू, आपको चीट करने के लिए बैठा नहीं है। नामाभास नामापवराद होता है। इससे तो बेहतर हम बोला, बार बार बोला हरि हरि कथा सुनाओ, कहाँ ब्रह्मचारी कहाँ है, कहाँ सन्यासी है, सुनो हरि कथा, सब छोड़ दो, रुपया पैसा सब आ जाएगा अपने आप, रुपया पैसा सब अपने आप आ जाएगा, हरि कथा सुनो, हरि कथा सुनो, सब बंद करो, बस एक ही काम है, द रीजन फॉर व्हाई पोपा वांटेड टू एस्टेब्लिश गौड़ीमठ, एक ही कारण है जिसके लिए गौड़ीमठ स्थापन किया गया। आप उसका मकसद को चेंज करना चाहते हो, आई एम नॉट एग्री विथ यू, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो। तो कहने का मतलब है पहुंचा हुआ संत अगर कहे हा कृष्णो, मतलब ये कृष्ण शब्दों के द्वारा कृष्ण उपस्थित है।
इन फाइन फॉर्म। लेकिन जड़ जगत का आदमी कोई शब्द बोले, शब्द इज डिफरेंट, साउंड इज डिफरेंट एंड द ऑब्जेक्ट, साउंड इज डिफरेंट एंड द ऑब्जेक्ट द साउंड वांट टू मीन इज डिफरेंट। आम मैंगो या तो पानी, पानी अलग वस्तु है, अब पानी जो जल है अलग वस्तु है, अब पानी जो नाम दिया गया, ये तो नाम दिया गया ना, हमने नाम दिया इसका नाम पानी है, और रशिया ने नाम दिया बादा, बादा बादा बादा, वो जल को बादा बोलता है, हैं? बाकी लोग बोलता है जल, मुसलमान लोग बोलते हैं पानी, अलग अलग नाम पर ही, लेकिन है तो एक शब्द है, तो वस्तु तो एक ही है ना, लेकिन वस्तु का वस्तु अलग है एंड शब्द अलग है। तो गौणोश्चेत न आत्मशब्दम, गौणोश्चेत न आत्मशब्दम, गौणो गौण और मुख्य, गौणो मतलब और मुख्य मतलब, मुख्य मतलब प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर, मुख्य मतलब प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर, और गौण मतलब नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेदांत सूत्रों ने सावधान कर दिया, वेदांत सूत्रों ने सावधान कर दिया, गौणोश्चेत न आत्मशब्दम, डोंट ट्राई टू थिंक दैट आत्मशब्द अर्थात अप्राकृत शब्द ब्रह्म खाली है, फाका है, ऐसा नहीं। ये बात को समझो, थोड़ी सी शब्दों में मैं बता दिया। वेदांत को और एक शुद्ध बताएं, जैसे आप ये बात को क्लियर और खुलासा हो सकता, वो क्या है, इक्षतेन अशब्दम, इक्षतेर नो अशब्दम, बोल वेदांत का शुद्ध, इक्षतेर नो अशब्दम माने क्या है, कोई समझा नहीं, गहरा विचार है, क्या माने हमारा, बहुत जोर जबरदस्ती अगर माने लगाने जाओ तो क्या माने होगा, इक्षतेर न अशब्दम, इसका घुमा के मीनिंग करे तो ओ बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन मैं सीधा माने करता हूं, सीधा माने डायरेक्ट अप्राकृत शब्द ब्रह्म को देखने का कोशिश करो। अरे महाराज हैरान की मीनिंग है, बट द मीनिंग स्पीचिंग इटसेल्फ, द मीनिंग जो है लगता है उल्टा, इक्षतेर न अशब्दम माने क्या है, जो अशब्द है, जो आत्मशब्द नहीं है, उन सभी चीजों जो आत्मशब्द नहीं है, जो आत्मशब्द नहीं है, इन आत्मशब्दों को देखने का कोशिश मत करो। माने क्या हुआ, जो आत्मशब्द नहीं है उसको देखने का कोशिश मत करो, और मैंने जो डायरेक्ट मीनिंग किया उसमें क्या किया, अप्राकृत तो शब्द ब्रह्म को देखने का कोशिश करो, यही तो माने हुआ, मैंने डायरेक्ट मीनिंग कर दिया, आपको समझने में असुविधा होगी, अप्राकृत तो शब्द ब्रह्म को देखने का कोशिश करो। व्हाट डू मीन, शब्द क्या देखा जाता है, यस शब्द देखा जाता है, कहां शब्द तो देखा नहीं जाता, कौन बोला शब्द देखा नहीं जाता, किसने बोला, कोई साइंटिस्ट बोला शब्दों को देखा नहीं जाता, बोले शब्दों तो देखा नहीं जाता, हमारे कहाँ शब्दों देखा जाता, हम दिखा देंगे, हम शब्दों को दिखा देंगे आपको, ये जो शब्द रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका अंदर में ग्राफ है, जैसे आपका कार्डियोग्राफ लिया गया ना, इस कार्डियोग्राफ, ये कार्डियोग्राफ जो है शब्दों का ट्रैक है, तो शब्दों का रूप नहीं है क्या, तो डॉक्टर लोग क्या देखता है, ये जो पेपर को लेके कार्डियोग्राफ का पेपर को लेके क्या देखता है, इसका हार्ट बीट का, कार्डियोग्राफ का, सो वो जो बीट है वो, इट इज द लैंग्वेज ऑफ योर हार्ट, आपका हृदय का अनुवाद है, देख रहे हैं, तो शब्दों का कोई रूप नहीं है, कैसे बोल सकता, हमने तो दिखा दिया कार्डियोग्राफ में, दिखा दिया ये मशीन में, रिकॉर्डर मशीन में दिखा देंगे, पहले का मशीन था ना रिकॉर्डर, घूमते रहे चक्का, पहले का 20 साल पहले मैं वृंदावन में हरिकथा कहते थे, सब चक्का वाला, अभी तो ये आया हलफिल,
पहले चक्का वाला 20-25 साल पहले, ओ बहुत तरीका तो हुआ, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, कहाँ चला गया कौन जाने। अब आप तो पिछले 12-15 साल का हरिकथा तो एकदम हजारों हजारों, पूरा जिंदगी में सुनने के बाद फिनिश नहीं कर सकते हो, अगर सुनने का मोटिव लेके सुनो तो ऐसा सुन दिया हो गया, ऐसा तो नहीं। तो ये जो शब्दों हमने बताया इसका माने क्या हुआ, अप्राकृत तो शब्द ब्रह्म को देखने का कोशिश करो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या है? मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने कई बार व्याख्या किया, कौन सुन रहा है? मैंने व्याख्या कितना बार किया गुरुवर्ग का अनुगत्य में, जे गुरु वैष्णव जो मंत्रों दिया है, हमारा गुरुजी हमको जो मंत्र दिया, ध्यान से सुनना, हमारा गुरुजी जो मंत्र दिया है हमको, आई विल हैव टू मीट विद दैट मंत्र देवता। कई बार कहा ना, तुमने सुना है ना, अटेंशन नहीं देते। हमारा भजन सक्सेस है तभी माना जाएगा जब जो मंत्र गुरुजी ने दिया है वह जपते जपते वो मंत्र देवता का साथ मेरा साक्षात्कार हो जाए। आई बात समझ में? जैसे काम देवता का मंत्र दिया है तो काम देवता का मंत्र मैं रोज जपता हूं, अगर कामदेव दिखाई नहीं पड़ा तो कौन सी मंत्र जपा? आई बात समझ में? अगर काम देवता जो गुरुदेव कामदेव काम गायत्री दिया है, अगर काम गायत्री जो देवता है कामदेव अपराकृत, उसका साथ मेरा भेंट ही नहीं हुआ, चाहे हृदय में चाहे बाहर चाहे किसी भी हालत से, तो क्या फायदा? आई बात समझ में? तो गुरुजी मंत्रों दिया शब्दों का रूप में, बट आई विल हैव टू मीट विद दैट सुप्रीम लॉर्ड। गुरुजी मंत्रों दिया क्या, काल चर्चा करेंगे, अगर मिनिमम 2 घंटा टाइम दोगे आप पेशेंस है तो, नहीं तो मरो मरने के लिए छोड़ दिया जा। एक कहानी बताएंगे डायरेक्टली, आप हैरान हो जाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम देंगे चैतन्य मठ से, बड़ा बड़ा गुरुवर्गो का एक्सपीरियंस से, अभिज्ञता से हम बताएंगे। तो कहने का मतलब है जो मंत्रों हमको गुरुजी दिया है, फाइनली आई विल हैव टू मीट विद दैट मंत्र देवता। गुरुजी मंत्र दिया है लेकिन मैं भजन करते करते और मंत्र देवता का साथ हमारा मीटिंग नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, तो मेरा भजन बेकार। तो क्या शब्द देखा जाता है कि नहीं? यस और नॉट? शब्द देखा जाता है, अप्राकृत शब्दों का रूप है। वृंदावन कहने से वृंदावन का स्वरूप, गुरु वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर बोल के चिल्लाए, हृदय में भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हो जाएगा, दर्शन दे देगा। तो अप्राकृत शब्द ब्रह्म का ऐसा प्रभाव है, अप्राकृत शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव है, कुछ भी कर सकता है। मैं एक आध उदाहरण दे दूं, अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का कितना प्रभाव है छोड़ो ये बात, लेकिन प्राकृत शब्द ब्रह्मो प्राकृत शब्दों का कितना प्रभाव है, प्राकृत है मेट्रिया। आप अगर शंख बजाते हो ना, शंख बजाते हो ना, ये शंख बजाने का साथ कितना जाम, कितना वायुमंडल में कितना जाम खत्म हो जाता है, जानते हो? हैव यू एनी आइडिया? वायरोलॉजिस्ट जो तो वायरोलॉजिस्ट है उसको पूछ के देखना। हम इधर से एक शंख बजाएंगे बूम करके, या जितना सारे जाम है ना, चाहे कोरोना रहे कुछ भी रहे ओमिक्रॉन रहे सब मर जाए अगर बजाया जाए तो। तो अगर प्राकृत शब्दों का इतना प्रभाव है, मैंने 2-4 उदाहरण और दे दे। उन जमाने में कोई ब्राह्मण अगर आपको सांप दे दिया तो सांप सच्चा हो जाता, लेकिन आज के जमाने में इतना झूठा फैला हुआ है, कोई ब्राह्मण वैष्णव अगर सांप दे दे वो सांप सच्चा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आचरण में कमी है। आई बात समझ में? मैं 2-1 उदाहरण दे दूं आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे कि नारद जी महाराज, जैसे कि हमारा नारद जी महाराज और सारे संत महात्मा भरतराज गौतमी आदि सारे एक झुंडू संतों का झुंडू अब पहुंचा कहां? द्वारका धाम में। सुने होंगे ना, सुने छो कि सुने छो? द्वारका धाम में पहुंच गया और द्वारका धाम में एक
सुंदर बागान बगीचे वो जगह सारे संत महात्मा भजन कर रहा है। खान पीन का तो चिंता है नहीं संत महात्मा का, और ऋषि मुनि है। और इतने में क्या हुआ, होनहार का खेल है। ये जदुवंशी का जो बालक लोग है, जदुवंशी का जो बालक लोग है, वो खेल करते करते वहां पहुंच गया। तो बचपना है, बच्चा है, खेलते हैं, खेलते खेलते आ गया। और मजे में शाम्बू बहुत सुंदर दिखने में, शाम्बू को लेडीज बना दिया, कपड़ा चुपड़ा पहन के लेडीज बना दिया, और थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा इधर लग के उसको प्रेग्नेंट बना दिया, ज्यादा कपड़ा लेके। और संत महात्मा सामने आके बोले, महाराज एक प्रश्न है, ऋषि मणि वर थोड़ा प्रश्न है। बोले क्या है? बोले ये जो स्त्री है लज्जावती है, ये कह नहीं सकती, तो इसलिए आपको पूछना चाहती है इसका लड़का होगा कि लड़की होगा। और ऋषि मणि का तो दिव्य चक्षु है, गुस्से में आकर बोला, हराम खोर बदमाश, जा इसका जेब में होगा लोहे का शेल होगा। ये हैरान की बात है, बोलने का साथ साथ जब ऋषि मुनि ने बोला, तू मजाक कर रहे, जा इसका पेट में कुलोनाशक मुशल पैदा होगा। हाँ हाय राम, जा। बोलने का साथ साथ शुंभो अपना पेट में दिखा रही, इसे मुशल पैदा हो गया, आयरन मुशल को खलास किया, मुशल को लेके सुधर्म सभा में गया। रोते रोते कृष्णो तो सब जानकारी है ही है, कृष्ण को सारे सब जदुवंशी बैठा हुआ है, आज हम लोगों से थोड़ा गलती हो गया, पर क्या हो गया, पर ऋषि मणि लोग सब बैठा हुआ था, जाके ऐसा मजाक किया, बोले जा कुलोनाशक मुशल पैदा हुआ तेरा जेब में, सारी कहानी बता दी। कृष्णो ने एक मुस्कान दिया, कृष्णो तो जानता है ना, सब कृष्णो का इच्छा का अनुसार हो रहा है। तो जदुवंशी ने मीटिंग किया करके, क्या किया जाए, ये तो कुछ करने का, ऋषि मुनि ने सांप दे दिया। तो जदुवंशी ने क्या किया, जदुवंशों का सारे जो मेंबर्स है ना, सब बैठ के असेंबली, वो असेंबली में बैठा हुआ है, सारे मंत्रणा किया, ठीक है चलो, तो गलती हो गया, तो एक काम कर, ये लोहे का जो मुसल निकाला है इसको लेके चले जा प्रवास क्षेत्र में, वहां जाके इसको पत्थर से घिस के चंदन जैसा है ना, इसको पानी में, इसको घिसते इसको लिक्विड बना दो और पानी में फेंक दो, हो गया है ना। मेरा बात कहने का मतलब क्या, बहुत ध्यान से सुनो, जिंदगी का आखिरी घड़ी तक आपको याद रहेगा मैं जो कह रहा हूं। वो लोग ऐसा ही किया, दो चार आदमी ने गया, घिसते क्या की, लोहे का वो जो मुशल है उसको घिसते, बहुत टाइम लगा, कई महीना घिसते उसको पानी में बदल के फेंक दिया समुंदर में। क्यों? पहले बाद में घिसते घिसा नहीं जाए, पतला चुपला रह गया है, अंतिम में एक पतला सा टुकड़ा रह गया। बोले ये क्या, घुसने में दिक्कत है, इतना टुकड़ा ये क्या हो सकता, उसको फेंक दिया। देखो होनहार का क्या खेल है, वो जो टुकड़ा फेंक दिया, वो टुकड़ा ने एक मगरमच्छ ने गिल ली, एक माछ ने, बड़ा मछली, उसको निगल लिया, और वो मछलियों को एक धीवर ने, मछुआरे ने पकड़ लिया। उस मछुआरे ने क्या किया, ये मछली को बिक्री कर दिया एक शंबासुर का, उन्होंने घर में लेके क्या किया, उन्होंने मछ को कटाई किया, कट से उफेला। उन्होंने क्या किया, बोले बड़ा शानदार चीज है, उसको घीस पीस के और एक तीर का फला बना दिया, हो गया। और जो पानी में घिसा था आयरन पीस पाउडर होके निकल गया, वो सब पाउडर जाके दूसरा समुंदर का तीर, वो एयर का विक्षो, जैसे फणी मनसा होता है ना, कैक्टस विक्षो होता है ना, ये इतना सर्प है,
ये एक कैक्टस बिको, एक एक ऐसा कैक्टस बिको है, इसको लेके आप गला का सामने ऐसा कर देना पूरा गर्दन काट के गिर जाए, बस हो गया। वो जो पाउडर है ना, पाउडर जाके फाइनली ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक कैक्टस बिको, नॉट कैक्टस एक्चुअली, इसको बोले जाते हैं एरका, इट्स वन काइंड ऑफ ट्री, माने हर्बल ट्री हो सकता। और देखो कैसा हुनर का खेल है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया जो जल्दी 7 दिनों का अंदर में ये द्वारका पूरी पानी के अंदर में जाए, सब भागो, सब भागो यहां से, फोरकास्ट कर दिए। और जब फोरकास्ट कर दिया सब जदुवंशियों ने सब जेके प्रवास खंडों में गया, प्रवास क्षेत्र में, प्रवास खंडों में जाके यज्ञ किया, खाना बनाया, बहुत सारे सन, बहुत सारे आयोजन किया। उसके बाद क्या किया, एक पेड़ की मीठा रस है, वो दारू नहीं है, अगर दारू व्याख्या करो तो अपराध हो जाएगा, इट इज नॉट एक्चुअली वाइन, ये बड़ा थोड़ा नेशा हो जाता वृक्ष का। जैसे भालू, जानते हो भालू, भालू क्या होता है, एक एक वृक्षों से जो मधु है खाने के बाद ऐसा ऐसा करता है भालू, जानते हो भालू, भालू बियर, भालू ऐसा बहुत सारे मधु खा लेना उसके बाद ऐसा ऐसा करता है भालू, ऐसा ही है ए मयूरो, एक के जूस है खा के थोड़ा नशा चढ़ गया, नशा चढ़ने के बाद ये ठाकुर जी का खेल है, ये ठाकुर जी का खेल है, एक दूसरे से काटापीटी शुरू कर दिया। अरे ये जदुवंशी भगवान का निजी जन है, ये लोगों के तमोगुण नहीं है जो आपका मापिक लड़ाई करेगा, तमोगुण नहीं है, ये तो ठाकुर जी का इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार एक दूसरे से काटापीटी शुरू कर दिया। बाकी इन दोनों इन सभी में 2-3 बज गया, जैसे वज्रनाभो बज गया, वज्रनाभो जिन्होंने मथुरा धाम का फिर प्रकट किया। तो जो भी है, मेरा कहने का मतलब है, देखो विचार करके, मेरा कहने का मतलब समझा ना, देखो एक शब्द बोल दिया, इसके बाद क्या हुआ, जदुवंश ध्वंस। तो जो बोला है वो सच होके निकाला, और जो फला, ये जो एक फला निकाला ना, जो फाइन शार्प एज, उसको एक जरा नामक वैद, जरा नाम का एक वैद उन्होंने ले लिया, लेके उसको तीर का फला बनाया, तीर का जानते हो ना, तीर है उसका फला बनाया, और वही तीर को लेकर भगवान श्री कृष्ण जब वृक्ष का एक पीपल पेड़ का नीचे एक पेड़ को ऊपर में देकर ऐसा बैठा हुआ है, उदासीन होके चतुर्भुज होके उदासीन होके बैठा हुआ है। इतने में उद्धव जी मारा रोते रोते आए, ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना उद्धव एक पल भर भी जीना नहीं चाहता। इस उद्धव को अंतिम उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, ये 1 महीना तक चर्चा हुआ, इंटरनेट में मिलेगा, ये अगर सुन के हजम कर सकोगे, हम वैशासन में प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, इतना मेरा है वैशासन में, वैद्य में प्रतिज्ञा करके जाता हूँ, रघु तुम्हारा पास है तो उठ का तो इतना पेशेंस नहीं दे के जाओ। 1 महीना तक, विद इन 1 मंथ 96 हरिका था, कार्तिक महीना में एक एक दिन में 4 हरिका था चलता है, सुबह 7 बजे से 9:30, 10:30 बजे से 12:30, फिर 2 बजे से फिर 4 बजे, फिर रात को 8 बजे से 10 बजे, 4:00। किसका लिए, आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग समझता नहीं, बच्चा जैसा समझता नहीं है, मैया का प्यार समझता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो क्या बात है, भगवान श्री कृष्ण बैठा हुआ है ऐसे, और ज्वरा नामक जो वैद्य है वो दूर से दिख रहा है, अरे सुंदर एक चिड़िया बैठा, भगवान श्री कृष्ण का चरण का रंग है लाल, लाल है ना, देखने में कितना सुंदर है। और वो जो ज्वरा नामक वैद्य है, हंटर है, वो दूर से दिख रहे, इतना सुंदर चिड़िया है, इसको तो पकड़ना है, दूर से तीर चला, तीर चलाने के बाद वो तीर आके भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल को भेद किया, ये भी भगवान का इच्छा का अनुसार। तो दौड़ते दौड़ते नजदीक आया,
नजदीका कहते कि हाय राम मैंने क्या किया, ये तो भगवान के चरण को मोली मार दिया। हाय राम, रोना शुरू कर दिया। भगवान बोला मेरा इच्छा से हुआ, तेरा क्या कसूर है, मेरा इच्छा से हुआ, जा मैं जाना चाहता हूँ जगत। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अंतोध्यान लीला, भगवान ऊपर जा रहा है और सारे जदुवंश गया, दो एक एक आद रह गया, जैसे वज्र है दो एक है बस। मेरा कहने का मतलब है वेदांत सूत्रों का व्याख्या करते करते मैंने प्रमाण कर दिया, इक्षतेर न अशब्दम, अर्थात जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म नहीं है इसको देखने का कोशिश मत करो। मेरा बात समझा नहीं? अर्थात मेरा कहने का मतलब डायरेक्ट मीनिंग, जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कोशिश करो। आई बात समझ? आम्रपली, आम्रपली नाम का कोई जनानी है, इतना सुंदरी है कि पूरा भारत में फेमस आम्रपली का इतिहास आता है। ये जो हमारा तथागत बुद्ध है ना, हमारा भगवान बुद्ध नहीं है, जो कपिला वस्तु में आविर्भाव हुआ ना, कपिला वस्तु, वो बुद्ध, कपिला वस्तु का बुद्ध ने ये आम्रपली का कृपा की बाद में। ये आम्रपली का इतना रब रूप और रस, पूरा जगत में बड़ा बड़ा किंग राजे अपना बेस बदल के ये देश में आते थे फिर आम्रपली का साथ मिलने के लिए। मेरा कहने का मतलब आप समझा नहीं? मैं कोई आम्रपली का बारे में भाषण देने बैठा नहीं। मेरा कहने का मतलब है ये जो आम्रपली नाम का लड़की है, इतना सुंदरी है, और आम्रपली का शरीर है, ये दोनों अलग है। मेरा बात समझा नहीं? आम्रपली जो नाम दिया गया किसी लड़की को, हर बॉडी एंड द नेम गिवन टू हर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, समझा ना? तो दुनिया इसका पीछे जो है आम्रपली, और आम्रपली के देखेंगे, मेरा बात समझा? आम्रपली, अरे इतना सुंदरी, देखेंगे, हो गया ना? तो वेदांतों का जो सूत्रों को आज हम समाप्त करने जा रहा है, काल इसी जगह से व्याख्या करके जो जूम हरिकथा में कई वह लयिक प्रयोजनम, इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। काल आरती भरती जो करना है करके, नहीं तो एक्सटेंड करो, नहीं तो होगा नहीं। आज एक भागवत जी महापुराण से श्लोक बता के कथा का विश्राम देना चाहें, क्योंकि आप लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन हरिकथा बोलते चल, आपका रूल्स एंड रेगुलेशन घुमाना है, सोना है, खाना है, हमारा नियम से तो आपका चल नहीं सकता। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यथः। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इससे शुरू करेंगे, अंतिम में जाके व्याख्या समाप्त करेंगे, भागवत का पहला श्लोक से अंतिम श्लोक जिसमें कैवल्यक प्रयोजनम, व्हाट मायावादी वांट टू स्पीक, व्हाट वी वांट टू स्पीक। मायावादी कुछ बोल सकता, उसका सेवा का तो कोई भावना है नहीं। हम लोग चाहता है कि श्याम सुंदर को पकड़ के चुम्बन करो, वो लोग चाहते कि लात मारो, भगवान का सिंहासन को आसन को फेर दो, अरे हम ही तो है राम, कौन राम का बाबा है कौन। ये गलत है, गलत है, ठीक नहीं है। भगवान भगवान ही रहता है, जीव जीव ही रहता है। बड़े बड़े दार्शनिक है, फिलोसोफर, मैं अपना देश का भी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े फिलोसोफर फॉरेन कंट्री का, चाहे कॉमेडी शो, चाहे बड़े बड़े सब हो, पिथागोरस हो, सब ने बताया मैन कैन नेवर बिकम मोर देन ए मैन, मैन कैन नेवर बिकम मोर देन ए मैन, भगवान नहीं बन सकता। तो फॉरेन का आदमी अगर ऐसा अनुभव है, हमारा छागल कुत्ता है, इन लोगों का अनुभव नहीं है, क्या बात है। जो भी है छोड़ो, काल सिंसियरली बैठ जाना। तो हम इधर आया, हमको कुछ खाने के लिए मन नहीं है, क्या बोला क्यों खाएगा, तेरे को क्या दिया जो खाएगा, हम खाएंगे नहीं, फिर भी थोड़ा फल खिला दिया, जा ठीक है।
खाने के लिए था ना, क्या खाएगा तू आगे सुन, उसके बाद खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। प्रसाद बॉयकॉट कर दिए हमने जो भी है। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्यम जदक्षरम निवर्तते अर्थो भावेन प्रक्रिया जगतो यतः वांछ कल्पतरुष्य के पास पतितानं भावन भविष्य भ्यो नमः।